नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज है आपका 26 फरवरी और बहुत दिनों से करंट का जो क्वेश्चन का एनालिसिस था वो हो नहीं पाया था, लेकिन आज एनालिसिस मैं कंप्लीट करूंगा, तो बने रहिए आज मेरे साथ। वीडियो काफ़ी लंबा होगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखिए, बिहार पीसीएस का डेट जो है अप्रैल लास्ट में पेपर होने वाला है और ये जो करंट अफेयर है ये सभी पेपर में काम देगा, क्योंकि करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है वो हर जगह काम देगा। तो ये नहीं है कि ये करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एनालिसिस करा रहा हूँ बिहार पीसीएस का, वो सिर्फ बिहार में काम देगा, वो सब जगह काम देगा आपका। तो जिन लोगों को कोई भी तैयारी स्टेट पीसीएस करते हैं, वनडे करते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया है ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है वो युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। गूगल के प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर युक्ति आईएएस सर्च करेंगे और डायरेक्ट आप सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिवेट करेंगे। उसे इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही पूछेगा रजिस्टर्ड और लॉगिन, तो अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि लॉगिन जो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं उनको होने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड होंगे उसमें रजिस्टर्ड में पूछेगा नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, तो वो चीज़ें और पासवर्ड जो भी 1, 2 से लेके 8 तक कुछ भी करेंगे वो आपको करना है। और उसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं, वनडे एग्जाम का, चाहे स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का या मेंस का या प्री का, कोई भी ले सकते हैं आप वहाँ पे जाके। 67 बीपीएससी का टेस्ट है, 21 टेस्ट है, 199 प्राइस है इसका, वैलिडिटी 2 ईयर का है। जो भी लगातार पेपर देना चाहते हैं तो उस पर जाके पेपर दे सकते हैं। मेंस का भी चल रहा है, जीएस का पेपर का, किसको भी पेपर देना हो जीएस का, मेंस का या ऑप्शनल का देना हो तो वो भी जाकर वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेके प्लान को कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी का जिनको तैयारी करना है, क्योंकि 5 जून को पेपर है यूपीएससी का, टोटल 51 टेस्ट है, एक फ्री टेस्ट है, बाकी आपको पेड टेस्ट है। जिनको भी जाके पेपर देना हो, सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो आप ऐप पे जाकर उसको परचेज कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 तक हो चुका था और 81 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए आप लोग, 81 से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 81 क्वेश्चन पे सबसे पहले चलते हैं। तो और लूसेंट का सीरीज भी स्टार्ट हो गया, जिनको लूसेंट पढ़ना हो या लूसेंट का पेपर सॉल्व करना हो तो A to Z जितना भी लूसेंट में इंपॉर्टेंट रहेगा, जो क्योंकि लूसेंट का क्वेश्चन हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी इनको लूसेंट पढ़ना हो तो सब्सक्रिप्शन लूसेंट का भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 81 क्वेश्चन में। 81 क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखिए, 81 क्वेश्चन में है कि 100% कोविड टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। 100% कोविड का टीकाकरण प्राप्त करने वाला, यानी कोविड का टीकाकरण करने वाला 100% भारत का पहला शहर कौन सा है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है जयपुर और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 5 ऑप्शन है आपके पास और इसी 5 ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा ऐसा शहर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर वो शहर है, उड़ीसा की राजधानी भी है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के जो सीएम है जिनका नाम है नवीन पटनायक, आप सभी लोग जानते होंगे, लगातार कई बार वो सीएम भी रहे हैं। और आप वहां के उड़ीसा के राज्यपाल का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला शहर बना है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में 100% यानी कि 100% कोविड, ये कोई नहीं है, यहां पर कोविड है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोविड टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र कहां पर है, ग्रामीण कहां निवास करते हैं सबसे ज्यादा, तो हिमाचल प्रदेश में 90% जो आबादी है वो ग्रामीण है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। कमेंट करके बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है। तो हिमाचल प्रदेश कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य के अर्हता प्राप्त सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है, तथा केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार ने वैक्सीनेशन पूरा करने वाले का उपलब्धि भी हासिल कर लिया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश, शहर पूछे तो भुवनेश्वर, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। मैंने आपसे यहाँ पर शहर पूछा है, शहर का मतलब शहर होता है। तो कोविड टीकाकरण 100% पूरा करने वाला जो शहर है वो शहर है आपका भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी भी है। जबकि अगर राज्य पूछे तो राज्य में आपका अर्हता प्राप्त करने वाला जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव विविधता अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है बक्सर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बक्सर। बक्सर की लड़ाई भी हुई थी, कमेंट करके बताइएगा बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी। इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। तो बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइजेशन
विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं, जय चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक पाया की स्थापना की गई है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया है, जो कि यह तकनीक गणेश इंजीनियरिंग वर्कर्स द्वारा विकसित की गई है। इसे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से चुना गया था। तो अगर आपसे पूछे कि डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंक्यूबेटर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो यह की गई है बक्सर। किस जिले में? तो बक्सर में की गई है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार पीसीएस के लिए। एक मिनट रुकिए आप लोग। ठीक, एटी थ्री क्वेश्चन जो है आपका, तो स्लाइड आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 83। विश्व का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहां किया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा क्वेश्चन है कि मोबाइल ट्रैफिक टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहां किया गया है? देहरादून, मनाली, श्रीनगर और लद्दाख। चार ऑप्शन है आपके पास, एक लास्ट ऑप्शन डी भी है, तो इसका सही ऑप्शन है लद्दाख। लद्दाख जो है विश्व का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है लद्दाख में। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश भी अब बन गया है, शायद आप लोग को पता हो तो ठीक है, कमेंट करके बताइएगा वहां के उपराज्यपाल कौन है लद्दाख के। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, बेसिकली मेन जो था वो मैंने बता दिया, बाकी ये सब डिटेल अगर पढ़ना हो तो पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा। विगत एक वर्ष से भी अधिक समय से 14,000 फीट से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत कम तापमान में सेना ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है। शून्य से -45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बिताया गया है। इन तापमानों में और कठिन इलाकों में रहते हुए टैंकों को ऑपरेट करने की अपने मानक प्रक्रिया को काफी विकसित किया गया है। तो अगर पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा अगर पूछ दे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहां किया गया है, तो वो है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन में पूछा है कि स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिड़िया नामक ब्रांड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको याद होगा कि सोन चिड़िया पिक्चर भी आई थी, मूवी भी आई थी, सोन चिड़िया। और यहां पूछा है कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिड़िया नामक ब्रांड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। मंत्री जी का नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिड़िया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना है। सशक्त बनाना मतलब मजबूत करना है, आत्मस्वावलंबन की भावना को जागृत करना है, उन्हें और एम्पावर करना है, सशक्त बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? याद होगा आपको कि बहुत पहले एयर बैलून सफारी का जो क्वेश्चन आया था बहुत इंपॉर्टेंट उस साल था, और लगातार एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के करंट में क्वेश्चन पूछा गया था बांधवगढ़ का, आपको याद होगा मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया था एयर बैलून सफारी का उस समय। यहां पूछा है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, क्योंकि देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चंस बनते हैं ना उससे कहीं ना कहीं हिंट जरूर मिल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये कुछ तरह के क्वेश्चन लगातार यूपी में भी, बिहार की परीक्षाओं में और ना जाने कई जगह पूछे गए थे, और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सैटेलाइट फोन से पहला नेशनल पार्क कौन है। नामदफा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। चार ऑप्शन है आपके पास, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, नंदा देवी किस लिए प्रसिद्ध है, नामदफा किस लिए प्रसिद्ध है, सुंदरबन का नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है, किस राज्य में, एटलीस्ट एक एस्पिरेंट होने के नाते आप लोग को यह जानना चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे नामदफा हो, चाहे काजीरंगा हो, चाहे नंदा देवी हो, चाहे सुंदरबन हो नेशनल पार्क। और इसे पूछा है कि सैटेलाइट फोन से होने वाला कौन सा सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो इसका सही जवाब है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा कहां पर है, बेसिकली असम में है, गेंडों के लिए बड़ा एक सिंग वाले गेंडे वहां पर पाए भी जाते हैं, और ये वही काजीरंगा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से लॉन्च होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क भी बन गया है। तो असम में स्थित, पहली बात तो असम की राजधानी क्या है, एक एस्पिरेंट को ये सब चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानना भी चाहिए।
असम, असम के अगर बारे में पूछे तो असम की राजधानी क्या है सबसे पहले ये, असम के इस समय सीएम कौन है, असम में के राज्यपाल कौन है, असम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है, एटलीस्ट इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा नामदफा नेशनल पार्क, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम जाके एक बार सर्च तो कीजिए कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं वैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए कितनी बार नामदफा पूछा गया है, या काजीरंगा पूछा गया है, या नंदा, तो देखिए यहाँ पर युक्ति आईएएस में जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका कोई ना कोई मतलब होता है। जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, ये क्वेश्चन तो चलिए सेटेलाइट फोन पूछ दिया तो चलिए काजीरंगा मारा और आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है एक्सप्लेनेशन क्लास, एक्सप्लेन करना होता है उस चीज़ों को, नहीं तो मैं बता के यहां से निकल जाता है, काजीरंगा लगाया और आगे बढ़ गया। यहां पर आपको यह देखना है कि भैया काजीरंगा है तो किस लिए फेमस है, एक फ्लो चार्ट बनाइए, काजीरंगा लिखिए वहां पे फ्लो चार्ट, काजीरंगा यहां पर है असम में तो असम में क्या किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो चारों है ये, जितने भी आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, मेरा काम है बताना, बाकी आप लोगों का काम है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सेटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बनेगा। अब बताओ भारत का पहला की बात की जा रही है, अभी मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी पहला ही बताया, अभी मैंने इसके पहले आपको, आपको याद होगा भुवनेश्वर का बताया, वो भी पहला ही बताया, राज्य भी बताया, हिमाचल प्रदेश पहला ही बताया। तो जो भी पहली बार ऐसा हुआ तो वो तो हमेशा काम देगा, चाहे प्री हो, चाहे मेन्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कोई पूछे, तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई ऐसा है वहां पे। तो असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सेटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। इस सेटेलाइट फोन की, इस सेटेलाइट फोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण किया जा सकेगा। देखो कितना उपयोग है टेक्नोलॉजी का, और आज टेक्नोलॉजी की देर है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य के गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नवांग गांव जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर विश्व के दो तिहाई एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इस पार्क को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया। अब मान लो इसी चारों में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो आपको पता होगा कि सर ने एक्सप्लेनेशन में बताया है कि काजीरंगा को किया गया है। तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2413 गैंडे हैं। काजीरंगा वर्ष में संरक्षित क्षेत्रों में बाघों के उच्चतम घनत्व के लिए जाना जाता था। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्तमान में सबसे अधिक बाघ घनत्व की अगर बात करें असम के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको गंभीरता से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन तो होके रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अब बताओ पूछा क्या, विश्व का दूसरा, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है पूसा, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी लखनऊ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है पूसा। पूसा कहाँ है बेटा, कमेंट करके बताऊंगा, अभी बने रहिए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, नाम बड़ा फेमस है, चुनाव आप जानते भी होंगे, किसान कृषक जो है आंदोलन भी चला था और उनका बड़ा नाम फेमस भी हुआ था। तोमर ने पूछा नई दिल्ली में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। याद होगा देखो क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं या क्वेश्चन जो सेट किया जाता है, देखो कितना साइकोलॉजिकल वो गेम खेलते हैं। एक बार याद होगा कि जब नीति आयोग बना था लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा पढ़ के गया, लेकिन अगर आप स्ट्रीट पीसेस से क्वेश्चन उठा के देखेंगे, पूछा था नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। अब बताओ लड़का पढ़ के चला गया कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ दिया। तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो बता रहा हूं थोड़ा उसको फॉलो भी करते रहिए। और अमर सर जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस करा रहे हैं, एकदम गंभीरता से, एकदम शांत मन से, ईमानदारी से उसको पढ़िए, क्योंकि सर बहुत अच्छे तरीके से दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं। वरना पढ़ाने वाले तो बहुत सारे YouTube पे पढ़े हुए हैं, अनगिनत पढ़े हुए हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके के उसका एनालिसिस सीखना है, उन चीज़ों पे जरूर ध्यान दीजिए। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर ने पूछा जो है बेसिकली नई दिल्ली में है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। इस जीन बैंक में पादप के बीजों की कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिसमें देश में किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही फसलों को विविधता को भी संरक्षण, कंजर्वेशन, संरक्षण मिलेगा। तो याद रखना विश्व का दूसरा अगर पूछे सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ है, जीन बैंक कहाँ है, तो भैया वो है पूसा में। पूसा कहाँ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ है, सब लोग जानते हैं कहाँ है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87।
देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर सोलर पीवी परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? अब बताओ देश की सबसे बड़ी, फिर पूछ दिया गया। चार ऑप्शन, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और मैं बार बार कहता हूं, न समझ में आए तो साउथ में पहुंचो, साउथ के कितने नाम है, 1, 2, 3। और सही आंसर इसका क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, जो कि बंदरगाह भी है, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की गई है। यह सियादी थर्मल स्टेशन के जलाशय पर फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 25 मेगावाट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कौन से देश में किया गया है? क्योंकि आपको याद होगा कि बीपीएससी की परीक्षा में 10 क्वेश्चन इंटरनेशनल वाले भी आते हैं, तो इंटरनेशनल वाले आते हैं तो थोड़ा पढ़ लें उसको भी, क्योंकि सब मिलाकर दिया गया है क्वेश्चन। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कौन से देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ब्रिटेन, ब्रिटेन में किया गया है। और आपको याद होगा कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में सभी यूक्रेन और रूस का विवाद जो है उस पर चल रहा है, डेली दैनिक जागरण के एनालिसिस में बताया भी जा रहा है। तो जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं या प्रीलिम्स या जो इंटरव्यू के लिए, उन चीज़ों को गंभीरता से देखा करें, बड़े मेहनत से चीज़ों को समझाया जाता है, क्योंकि सब जगह काम देगा, इंटरव्यू में भी काम देगा वो। तो वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य केन्या और लंदन में बेसिक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो देश है ब्रिटेन। अगला है, विश्व का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? कमेंट करके बताइए कौन सा शहर ऐसा है जो सबसे प्रदूषित है। तो प्रदूषित शहर जो है, गाजियाबाद, होटन, शंघाई, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है न गाजियाबाद है, न मेरठ है, न शंघाई है, ये है प्रदूषित शहर होटन, ठीक है? तो आप लोग खुश हो जाइए, 89, नहीं तो कभी गाजियाबाद का नाम आता था, आप लोग को याद होगा, आज के 8-10 साल पहले की बात है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित जो है शहर जो है वो आपका होटन है, जबकि धैर्य रखिए दूसरा कौन सा है ये बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो इसका सही आंसर है होटन, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो ये देखिए हमारे विपक्ष वाले जो है चीन वो है, जबकि दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। कमेंट करके बताइए, और वहां के सांसद कौन है ये भी कमेंट करके बताइए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? गाजियाबाद जबकि दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो अगर पूछे राज्य, तो भाई राज्य में गाजियाबाद किस राज्य में है आपको पता ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 90 क्वेश्चन में। ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नॉर्वे। तो होटन कहां पे है? चीन में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उस देश का नाम है स्वीडन। स्वीडन ग्रीन जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसका निर्माण कोयले के उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग कर लिया गया है। इसकी पहली डिलीवरी वॉल्वो ग्रुप को ही की गई है, ठीक है? याद रखिएगा उसका नाम है देश का स्वीडन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मांग को पोषण माह, किस मांग ने किस माह को है? यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा हो जाता है हिंदी के टाइपिंग में, देखिए इस पे दिल पे मत लीजिएगा। तो किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है? किस माह को, मंथ वाला की बात की है, मंथ की बात की जा रही है। तो यहां पर मांग लिख दिया गया है लेकिन मांग नहीं है, क्योंकि यहां पर मांग और पूर्ति की बात नहीं की जा रही है, किस महीने की बात की जा रही है। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जून, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको याद होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन। इसका सही जवाब है इसका आंसर बी है सितंबर। सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, कमेंट करके बताइए कौन है, मंत्रालय को किसको प्रभार दिया गया है सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है।
भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पोषण और पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किए जा सके एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 4 साप्ताहिक थीम्स के साथ पूरे महीने में गतिविधियों की एक श्रृंखला भी योजना बनाई है। प्रथम थीम वृक्षारोपण गतिविधि पोषण वाटिका के रूप में और 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाएगा। दूसरा थीम पोषण के लिए योग और आयुष है, इसे 8 से 15 सितंबर। ये पूरा डिटेल बेटा पढ़ लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। तो पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, सितंबर के महीने में, ये ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मान लीजिए कभी इंटरव्यू में जाएंगे तो इसको पूछेगा कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य यही है, पोषण पौष्टिक के बारे में बात की जा रही है, न्यूट्रिशन के बारे में बात की जा रही है, और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया, ये भी ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बी आमलांग संधि समझौता किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और असम। तो कमेंट करके बताइए। 92 क्वेश्चन है, कार्बी आमलांग शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और असम। तो सही आंसर इसका असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। चलिए, तो 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी आंगलोंग शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता उग्रवाद मुक्त उत्तर पूर्व के दृष्टिकोण से साथ समर्पित है, जिसमें पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास, जब से गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट, आपने देखा होगा पूर्वोत्तर कितना विकसित है हमारा, मतलब विकसित हो रहा है धीरे धीरे, और जहां पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो जाहिर सी हर चीजें वहां पर होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रगति के मार्ग पर वो हमेशा प्रशस्त होगा। जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, सड़क अच्छा होगा, व्यापार लोग वहाँ पे करेंगे, और वाकई में नॉर्थ ईस्ट बहुत खूबसूरत जगह है, जिसमें पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास, शांति और समृद्धि की परिकल्पना की गई है। कार्बी असम का एक प्रमुख जाति समूह है जो कई गुटों और इनके भागों से घिरा हुआ है। कार्बी समूह का इतिहास 1980 के दशक के उत्तरार्ध से हत्याओं, जाति हिंसा, अपहरणों और कराधान से युक्त रहा है। कार्बी आंगलोंग जिले के विद्रोही समूह जैसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, कार्बी लोंगरी एनसीसी, लिबरेशन फ्रंट आदि एक अलग राज्य बनाने की मांग से उत्पन्न हुई। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद एक स्वायत्त जिला परिषद है जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत संरक्षित है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, और पूछे तो कार्बी के बारे में समझौता जो हुआ है वो असम, ठीक है। अगला 93 क्वेश्चन पे बात करते हैं। 93 क्वेश्चन पूछा है कि देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कौन सा शहर में किया जा रहा है? अब सोचो, हवा को भी प्यूरिफायर करना है, बताओ। तो देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सबसे खूबसूरत शहर चंडीगढ़ को जो बसाया गया है, चंडीगढ़, वैसे इंदौर तो सबसे स्वच्छ रहता ही है साफ सफाई के मामले में, लेकिन चंडीगढ़ को बसाया गया है, और ये चंडीगढ़ ही है जो देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण भी यहां पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइएगा, चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया है। यह 24 मीटर ऊंचा है, देखो ये भी याद रखना, 2 × 2 = 4 24 मीटर है। ये भी पूछ लेता है कितना ऊंचाई है, जो कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। सोच लो किस एरिया में करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं हमारे पॉलिटिशियनों के एरिया में तो नहीं करेगा जहां वो लोग निवास करते हैं। चलिए अगला बात करते हैं, 94 पे चलते हैं हम लोग। 94 क्या है? किस राज्य ने सुब्रमण्य भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बेटा इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बताऊंगा भी। पोषण माह कब मनाया गया? सितंबर में, अभी बताया हूं मैं आप लोगों को। और ये क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 ऑप्शन साउथ के हैं, 1 ऑप्शन है वेस्ट का है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है तमिलनाडु, और नहीं समझ में आए तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, लेकिन इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां पर है, सभी लोग राजधानी क्या है कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु के सीएम कौन है कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें ये भी कमेंट करके बताइए, और तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीटें ये भी बताइए, और तमिलनाडु में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो किस पार्टी से है कमेंट करके ये भी बताइए, क्योंकि पेपर इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं।
तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार में सुब्रमण्य भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2021 में सुब्रमण्य भारती की 100वीं पुण्यतिथि थी, ठीक है, 100th century, ठीक है, याद रखिएगा। 95 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। 95 क्वेश्चन क्या पूछा है, साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान, एंड नॉट लिस्ट उत्तर, उनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखो बार बार कहता हूं, देखो साइबर सिक्योरिटी की बात किया गया है तो वो राज्य है और कोई नहीं, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल कौन है कमेंट करके बताइएगा। तो साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और यूपी में चुनाव भी है, खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, समझदार है आप लोग। 96 हिमालय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? अब बताओ, हिमालय की बात कर दिया और क्वेश्चन में हिमालय की बात कर रहा है, लेह, मनाली, देहरादून, गंगटोक, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हिमालय फेस्टिवल का उद्घाटन जो किया गया है वो लेह में किया गया है, लेह में किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, ये अपने, खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अनुराग सिंह ठाकुर, एक बयान भी इनका आया था। अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर के लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। इस समारोह का उद्घाटन कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म शेरशाह से हुआ है, काफी अच्छी पिक्चर थी। तो इसका याद रखिएगा, हिमालय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जो है इसका किया गया है कहां पर, लेह में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में परशुराम कुंड, परशुराम कुंड की बात किया जा रहा है, निर्माण कार्य शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो परशुराम कुंड जो है बेसिकली जो है निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, एक मठ है, तवांग मठ है, वहां पे बौद्धिस्ट ज्यादा है वहां पे। सीएम कौन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में और बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा सीएम कौन है कमेंट करके आप लोग बताइए, अरुणाचल प्रदेश के, और राज्यपाल कौन है। तो किस राज्य में परशुराम कुंड का किया जा रहा है, तो भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थस्थल परशुराम कुंड का निर्माण शुरू किया है। यह तीर्थस्थल ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा, किस नदी पर, लोहित नदी पर होगा। 98 क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर भी 98 पे बहुत आउट होते थे, हम लोग बनाते थे कि जल्दी सेंचुरी मारे सचिन। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन से देश ने की है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है जर्मनी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, और एक से अधिक। इसका सही जवाब देगा जो, वो जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो किया है वो किया है भारत ने किया है। 3 सितंबर तो, और तो देख रहे हैं ना लड़ाई हो रहा है यूक्रेन और रूस में, और यूक्रेन बार बार कर रहा है कि भाई भारत समझाओ, आप विश्व गुरु हो इस समय, और देखें आप लोगों ने किस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहां पर फंसे जितने भी बच्चे हैं उनको लाया गया, जितने भी स्टूडेंट वहां तैयारी पढ़ाई जो भी लोग थे उनको बड़ा सही सलामत लाया गया है। सर ने आपको पढ़ाया भी होगा रूस और यूक्रेन के बारे में सारा। तो 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है, और इसका उद्देश्य भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना है। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में हुआ। संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फेयरवन कन्वेंशन UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP28 की मेजबानी करेगा। याद रखना 2023 वाला जो होगा UAE संयुक्त अरब अमीरात में होगा। यह घोषणा UNFCCC COP26 ग्लासगो शिखर सम्मेलन में हुई है। तो याद रखना कि जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित मेजबानी जो किया है भारत ने किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना है। और जो मैंने कहा कि 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 31 अक्टूबर से नवंबर तक 12 नवंबर तक ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में हुआ है। 23 वाला होगा UAE में होगा,
याद रखना, ध्यान से पढ़ना। मेजबानी किया है भारत में, लेकिन हुआ है ये कहां पर, कहां पर हुआ है? भारत ने इसका मेजबानी जरूर किया, लेकिन ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में हुआ है, ठीक है? तो ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। 99 जो है, बस दो क्वेश्चन बाकी है शतक मारने में। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 को वर्चुअली अध्यक्षता कौन से देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने की है? चार ऑप्शन है, भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चीन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पहले तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना या साउथ अफ्रीका। कब लास्ट में बना था ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पहले से याद रखो 13वां 2021 वाला कौन सा है, 13वां। वर्चुअली अध्यक्षता कौन से देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने की है? चार ऑप्शन है आपके पास, भारत, साउथ अफ्रीका, 99 है आपका, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, चीन है। जिसकी मेजबानी किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने की है वो देश है अपना खूबसूरत भारत, ठीक है? भारत ने की है। इसका आयोजन 9 सितंबर 2021 को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और इसका जो हुआ है शिखर सम्मेलन में, इसमें निरंतरता, समेकन और सहमति के अंतर ब्रिक्स सहयोग के लिए किया गया है। चार प्रमुख बातों पर चर्चा किया गया है। पहला बात है, चूंकि ब्रिक्स में जैसे मैंने कहा कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ये सभी मिलकर ब्रिक्स मिला है। बहुत बड़ा एक शिखर सम्मेलन होता है ब्रिक्स का, सारे देश एक यूनिट होते हैं। और चार प्रमुख बातों पर इस पर चर्चा की गई है, जैसे कि बहुपक्षीय प्रणाली पर सुधार किया जाए, आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है, सभी के लिए समस्या है, आतंकवाद आतंकवाद होता है चाहे वह किसी रूप का हो, इस पर भी बात किया गया है। सतत विकास लक्ष्य पे बात की जाए, किस तरीके से सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाए, पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी की बात की गई है, ठीक है? तो चार प्रमुख बातों पर चर्चा किया गया है, और जो मैंने कहा कि किस देश के द्वारा, भारत के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? क्रिप्टो करेंसी चूंकि डिजिटल करेंसी होती है, तो क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ब्राजील, अल साल्वाडोर, चिली, कोलंबिया, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका नाम है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर वह देश है क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को आधिकारिक दर्जा देने का दुनिया का प्रथम देश बन गया है। कुछ महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी जैसे है बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, रिपल, बाइटकॉइन कैश, मनीरो, डिजिटल लान, डॉगकॉइन, डैश, पार्टकॉइन। और याद होगा कि एक बार यूपीएससी की परीक्षा में ये क्वेश्चन उठा के ऐसे ही पूछा था, बिटकॉइन के बारे में पूछ दिया था, बिटकॉइन क्या है उसके थोड़ा से गुण पूछ दिए थे। मुझे लगता है कि यूपीएससी की 2014 या 2015 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पूछ लेगा कि भैया बताओ कि क्रिप्टो करेंसी का जो दर्जा हम जैसे दे रहे हैं, कौन कौन आता है उसकी श्रेणी में? देख लो, इतने क्रिप्टो करेंसी हैं, बिटकॉइन है, लाइटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, बिटकॉइन कैश है, मनीरो है, डिजिटल नॉट है, डॉगी कॉइन है, डैश है। तो ये सब पढ़ लेना, ठीक है? वैसे ही नहीं लिखा गया, इसको पढ़ना आराम से। तो 100 तक आपका क्वेश्चन हो गया, और जितने भी 100 के आगे हैं वो आपको बहुत ही जल्द उसको भी एनालिसिस करा दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना पढ़ाया जा रहा है, जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे मान लो इसी भी पूछा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, मैंने कहा कि देखो वो देश है अल साल्वाडोर, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक दर्जा देने वाला है, और महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी। तो अगर महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी अगर एक्सप्लेनेशन इतना लंबा चौड़ा दिया जा रहा है, तो युक्ति है इसका, मैंने कहा कि सबसे अलग इसलिए है कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में हर जगह काम देगा। देखो यहाँ पर अगर यही पूछ दे, यूपीएससी में ही पूछ दे, तो आपको अगर इनमें से पूछे, इनमें से कोई नहीं है, चार पाँच और नाम दे दे, तो आप बता सकते हो ना, अगर आपको याद रहेगा यहाँ पर। तो अक्सर तो मैं यहीं पर देकर निकल गया होता, लेकिन हम लोग एक्सप्लेनेशन इसलिए देते हैं ताकि बच्चे को वो पूरी चीज़ें पता हो, चाहे पहली बार पढ़ रहा हो चाहे पहले से पढ़ रहा हो। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता कौन सा, किसने किया है, वर्चुअल तरीके में किया गया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। किस देश के द्वारा? भारत के द्वारा किया गया है। किस किस मुद्दों पर बात किया गया है? तो ये भी मैंने बताया, चार प्रमुख मुद्दे थे, आतंकवाद तो जाहिर सी बात है सब लोग बात करेंगे,
कनेक्टिविटी की बात किए जाएंगे, टेक्निकली टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है, ये भी बताया मैंने भारत ने किया है। हिमालय फिल्म फेस्टिवल लेह लद्दाख बताया ही था मैंने आप लोगों को। साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाले देश का पहला राज्य है साइबर मध्य प्रदेश, बताया ही था। सुब्रमण्य भारती तमिलनाडु, ये भी बताया मैंने। देश का सबसे ऊंचा एयरफेयर चंडीगढ़, ये भी बताया मैंने आप लोगों को। कार्बी आंगलांग समझौता जो बताया असम वाला, बताया ही था मैंने आपको। किस माह को पोषण माह सितंबर तक, बताया ही मैंने। ग्रीन स्टील जीवाश्म जो बताया वो भी देश के बारे में बताया, शून्य नंबर देश है। इस विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, होटन बताया जो चाइना में है। और अगर भारत की बात किया जाए तो गाजियाबाद है। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन ने किया है, याद रखिएगा, ये भी बताया मैंने आपको। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन जो पूछा नई दिल्ली, बताया ही था आपको। और सैटेलाइट फोन जो काजीरंगा वाला बताया था, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताया ही था। स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो सोन चिरैया जो है किस मंत्रालय के द्वारा, कंफ्यूजन मत होइएगा, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा था। विश्व का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो किया जा रहा है वो भी जाहिर सी बात है मैंने बताया ही था कि लद्दाख में किया जा रहा है। बिहार के वी के अंतर्गत जैव चिकित्सा, ये भी बताया था मैंने आपका। ये बक्सर में हो रहा है लड़ाई, जब मैंने बोला बक्सर की लड़ाई हुई है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया है वो कौन सा है, ये भी 80 नंबर क्वेश्चन 81 था जो जाहिर सी बात है 39वां था। तो ये सब 80 वाला तो खैर पहले हो चुका था। तो 81 से लेकर 100 तक आपका करंट कंप्लीट हो गया है। और जो है कल आने वाला, कल जो है, कल तो फिलहाल संडे है, बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं उसका भी मैं करा दूंगा। ये FLT3 कंप्लीट हो चुका है, जाके जिनको टेस्ट देना है, जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन है वो लोग टेस्ट दे सकते हैं। PDF भी आप जाके ऐप पे इंस्टॉल कर डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, चाहे हिंदी वाला यूज करते हो चाहे इंग्लिश, दोनों माध्यम में है। यहाँ तो टेस्ट दोनों माध्यम में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो PDF जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आप, ऐप पे भी, वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने फॉलो न किया हो या ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक होगा, वो आके जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो जाके गूगल स्कैनर ऑन कीजिए और इसको स्कैन भी कर सकते हैं, तब भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल न किया, ऐप को इंस्टॉल करें, टेलीग्राम को फॉलो करें, रोज क्विज चलता है, पोल करें, जो बताया जा रहा है उसको मालूम उसको फॉलो करें, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको टेलीग्राम पे या जहां भेजना है भेजिए आप लोग, लेकिन कम से कम बोलने की हैबिट डालिए, क्योंकि सारी लड़ाई इस पे मेंस के रिजल्ट पे ही होना है। DSP बनो, चाहे SDM बनो, चाहे BSA बनो, चाहे इनकम टैक्स में जाओ, सारी लड़ाई सब कुछ आपके हाथ में है। और बिहार तो ऐसा राज्य है, बिहार PCS में, जहां पर आप ग्रेजुएशन है तो कुछ भी बन सकते हैं ग्रेजुएट है तो। UP में तो चलो ये डिग्री चाहिए वो डिग्री चाहिए, वहां तो कुछ नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री नहीं, ये इस सब्जेक्ट के लिए आपको ये डिपार्टमेंट मिलेगा वो डिपार्टमेंट नहीं, वहां पर सारा डिपार्टमेंट खुला है, आपके अंदर ग्रेजुएशन किया है आप सब एलिजिबल है, जैसा रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, युक्ति IAS ए वे टू सक्सेस। और जो दनियाड़ का राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस हो रहा है जरूर उसको देखिए, पूरे भारत में कहीं पर भी कोई इस तरह का एनालिसिस नहीं करेगा जो अमर सर के द्वारा किया जा रहा है। एकदम शांति से उसको कॉपी पेन उठाइए और एकदम धीरे धीरे वीडियो को आगे पीछे करके देखिए आप लोग कि उसमें आखिर सर क्या ऐसा बता रहे हैं, कौन सा ऐसी टेक्निक बता रहे हैं कि जो इतना इंपॉर्टेंट है। इतना लंबा चौड़ा पेपर होता है, उस पेपर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सिविल की तैयारी में क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो इतना चीज़ है कि सुबह से लेकर शाम तक 50 चीज़ों के बारे में लोग तो बता दें ये किताब पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ो ना जब कम पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाए, वरना हिस्ट्री तो सभी पढ़ते हैं, कौन MLSVKANT की बुक नहीं पढ़ता है, कौन बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ता है, लेकिन सिलेक्शन कहाँ से लेना है। कम पढ़ के अगर हम सेलेक्ट हो जाएं तो आने वाला समय में जब सेलेक्ट हो जाएं कोई ये थोड़े पूछेगा कि आपने कौन सी किताबें कितना पढ़ते थे, क्या उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने सिलेक्शन पाया तो पाया, यही सच्चाई भी है। बाकी जिनको भी अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेना हो तो ऐप पे जाए, इंस्टॉल करें ऐप को, गूगल के प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पर UKTIAS सर्च करें, इंस्टॉल करें। जैसे इंस्टॉल करेगा नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करेगा, रजिस्टर्ड और लॉगिन आता है राइट साइड में, रजिस्टर्ड जो पहली बार आ रहा है वो रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर करेंगे तो उसमें नाम, आपका ईमेल ID, आपका मोबाइल नंबर, ये पूछा जाएगा, आपका पासवर्ड जो भी बनाना है बनाइए, 8-10 डिजिट का होना चाहिए। और उसके बाद धीरे से लॉगिन होइए, उसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, बैंक, SSC, रेलवे, टेट, सुपेट, ना जाने कितनी परीक्षाओं का लिस्ट है आप लोग, और वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। तो बने रहिए UKTIAS के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।